तो प्लांट वाला आ चुका है और मैं जा रही हूँ नीचे प्लांट खरीदने। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ आ गई हूँ मैं प्लांट खरीदने। तो मैं इंडोर प्लांट ज़्यादा खरीदती हूँ क्योंकि मेरे पास कंपेयर टू आउटडोर इंडोर प्लांट ज़्यादा हैं। और यहाँ नीचे आके मैं बार्गेनिंग करना शुरू कर दी आते ही, क्योंकि इतने महंगे महंगे, इतना छोटा सा सिंगोनियम 2 इंच के पॉट में लगा रखा है और 120 है, और मैं 100 बोल रही हूँ कि 100 में दे दो, इतना भी 10-20 भी अब कम नहीं करना चाहता है कोई भी पौधे वाला। तो इस तरीके से मैंने 3-4 प्लांट खरीद लिए। और अगले दिन का ये फिर वीडियो है, एक और प्लांट वाला आया तो मैं फिर नीचे पहुँच गई और उससे भी 2-3 प्लांट खरीद ली जो भी प्लांट मेरे पास नहीं थे। तो अब मैं इन सबको करूँगी रिपोर्टिंग। तो ये है सिंगोनियम, ये रेड सिंगोनियम है। इसकी सिंगोनियम की एक्चुअली मेरे घर में 3-4 वैरायटी हो गई और बहुत प्यारा प्लांट है और बहुत इजी ग्रोइंग है। तो ये सारे इंडोर प्लांट ही है और मैं हमेशा प्लांट को पॉट के साथ कंट्रास्ट करके लगाती हूँ कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे और घर और भी प्यारा लगे। ये कोकोपीट है, इतना महंगा दिया है, 80 रुपये का इतना कम दिया है, पता नहीं क्यों। तो चलिए मैं इंडोर प्लांट की बात करती हूँ आप लोगों से। तो घर में इंडोर प्लांट सबसे ज़्यादा लगा, आउटडोर लगा या नहीं। और इंडोर प्लांट ऑक्सीजन भी देते हैं, ज़्यादातर प्लांट लाइक स्नेक प्लांट, जेट प्लांट और भी बहुत सारे प्लांट हैं। तो प्लांट तो कोई भी लगाओ, पर लगाओ, बहुत अच्छी बात है प्लांट लगाना। इवन प्लांट को आप रिप्लेस कर सकते हो, अगर मैं तो ऐसा ही करती हूँ। अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर है और आप अगर आप उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हो, अगर आप टॉक्सिक हो रहे हो उससे, तो आप उसे प्लांट की जगह पे रिप्लेस कर दो। ये भी एक बहुत अच्छा, ये एक्चुअली मेरा एक छोटा सा ट्रिक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं ज़्यादा जब फ्रस्ट्रेट होती हूँ, चिड़चिड़ी होती हूँ, तो मैं घर में और ज़्यादा प्लांट लगाती हूँ। मुझे प्लांट के साथ रहना, बातें करना, फालतू लोगों से बात करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इनसे बात करो और खुश रहो। और इंडोर प्लांट लगाने का सबसे मुझे बढ़िया तरीका ये लगता है कि आप लगाओ, घर को भी सुंदर बनाता है और इसमें ये बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है कंपेयर टू आउटडोर प्लांट। तो ये सिंगोनियम मैं लगा चुकी हूँ, बार बार देख रही हूँ, एक इसका पत्ती गिर सा रहा है पता नहीं क्यों और डैमेज भी हो रहा है। देखती हूँ 1-2 दिन अगर चल पाया तो ठीक है, नहीं तो इसे मैं काट दूँगी साइड से। इस तरीके से गिर रहा है पर लग के बहुत प्यारा लग रहा है। येलो में मैंने पिंक एंड ग्रीन लगाया है। और ये है रबर प्लांट, रबर प्लांट बहुत दिन से सोच रही थी कि लूँ। अभी मैं ये सोच रही हूँ कि क्या करूँ, इसे इसी में रहने दूँ या एक बड़े से पॉट में मैं इसे रिपॉट करूँ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, इसे रिपॉट कर देना चाहिए, क्या पता अंदर से इसके रूट कैसे हो। क्योंकि ये प्लांटर वाले, नर्सरी वाले जो होते हैं, ये बहुत अजीब तरीके से प्लांट को रखते हैं। पता नहीं, इनके यहाँ ग्रो तो कर जाता है पौधा, लेकिन घर आते ही मर जाता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से पॉट में और पॉटर में ये रखे रहते हैं, बहुत मोटी मोटी और लंबी लंबी रूट को। तो जैसे ही मैं इसको निकाली हूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ। बताओ, ये इतने बड़े प्लांट का रूट है, पता नहीं कितने सालों से इसने इतने छोटे से पॉट में लगा रखा है कि ये निकल ही नहीं रहा था। और बहुत मुश्किल से निकलने के बाद पता चला कि 1 फीट अंदर में इसका रूट है। और ये प्लांट कितना कंजेस्टेड जगह पे था, कितना पता नहीं कैसे उन लोग के पास जी जाते हैं ये लोग। तो मैं इसे बहुत बड़े से पॉट में अभी रिपोर्ट करूँगी। तो देखो कितना बड़ा रूट निकला है, इतना बड़ा रूट सोचा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर में 1-2 इंच होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, बट ये बहुत लंबा रूट निकला है। और इनकी मिट्टी भी अच्छी नहीं होती है, पता नहीं किस टाइप की मिट्टी होती है, सिर्फ मिट्टी ही होता है और तो ये कुछ डालते नहीं हैं। तो आप जब भी मिट्टी बनाओ, तो मैं कई बार बता चुकी हूँ, थोड़ा सा रेत ले लो, थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ले लो, थोड़ा सा कोकोपीट ले लो, फर्टिलाइज़र लाइक वर्मी कंपोस्ट। तो ये इसका होल है, इसे मैं थोड़ा सा कवर अप कर देती हूँ। तो इसमें मैंने एक बड़ा सा स्टोन डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से लगाऊंगी। तो इसमें अब ये खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा और इसे देख देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और मैं थक गई हूँ लगाते लगाते ही, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा है। और इस तरीके से मैंने एक और प्लांट को रिपोर्ट कर लिया है और ये भी अच्छा लग रहा है। वैसे इससे मेरा मन था रबर प्लांट को वाइट में लगाऊं, लेकिन अवेलेबल नहीं था मेरे पास वाइट पॉट, तो मैंने इसे लगाया है, बाद में देखती हूँ। और ये पॉट जब मैं इसकी मिट्टी निकाली, इसमें से गुलाई करके, तो पता चला कि ये तो टूट रहा है। तो प्लांट प्लास्टिक के टूटते भी बहुत हैं। तो फिर मैं ये एक्चुअली इसमें लगाने वाली थी स्नेक प्लांट,
यस नो नो दिस इज स्पाइडर प्लांट नॉट स्नेक प्लांट। तो ये स्पाइडर प्लांट इसमें लगा रही हूँ, ये वैसे कॉम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा है पॉट को, पर कोई बात नहीं तब तक चलेगा, फिर देखती हूँ, क्योंकि मेरे सारे पॉट या तो टूट रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये स्पाइडर प्लांट भी मैंने इसे लगा लिया है। तो मैं फिर से बोलूँगी, आप लोग जो मी टाइम निकालो अपने लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग प्लांट लगाओ अपने लिए, अपने खुशी के लिए, अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, अपने इन्वायरमेंट को सुंदर बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए। और देखो इसके साथ भी बहुत ज़्यादा जाति की गई है, इतना छोटा सा है ये पॉट और देखिए कितना बड़ा इसका भी रूट निकला है। और मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू मैं इसमें लगाऊं 6 इंच वाले में, क्योंकि वो सिर्फ 4 इंच का है पॉट, तो ऑरेंज वाले में नहीं लगा के मैं इस रेड वाले में लगाती हूँ। थोड़ा सा कलर इसका चला गया है इस पॉट का भी, पर कोई बात नहीं तब तक चलेगा। तो सिंगोनियम भी मेरा रेडी हो गया है और सारे प्लांट लगा ली हूँ मैं। तो फ़िलहाल तो मेरे पास इतने ही प्लांट थे। और आप कोकोपीट का बहुत ज़्यादा यूज़ करो, इसलिए करो क्योंकि कोकोपीट हल्का होता है और प्लांट के लिए बहुत अच्छा, इसमें मॉइस्चर होता है, तो ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है कि पानी अगर आप नहीं भी दो तो कितना प्यारा लग रहा है, काम चलता है, 10 दिन तक भी रह जाता है। और सारे मैंने रिपोर्ट कर लिए अपने प्लांट को और देखो कितना सुंदर लग रहा है। मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, पानी इवन डाल नहीं रही हूँ, सबको नहला रही हूँ अच्छे से। रबर प्लांट बहुत गंदा हो रखा था। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में मुझे बताना। बाय बाय, थैंक यू।